जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, शीघ्र चेतो, जल्दी दौड़ो, इस माया के धधकते हुए दावा नल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वह गया, दूसरा भी चला गया, अरे तीसरे को भी लपटों ने ले लिया। परंतु हाय, तुम मूर्ख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े हो। अरे अब के तुम्हारी बारी आती है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो वह देखो, उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए उसका कृपालु कप्तान बार बार सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तर जाओगे, अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। चेतो, शीघ्र चेतो, चेतो शीघ्र चेतो। गरुड़ पुराण में आता है, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियाँ बतलाई हैं जिनका यथा अधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निर अतिशय आनंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है, आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है, भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है, कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है, परिवार कुटुंब जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धार प्रवाह में जगत बह रहा है, देश और उन्नति के नाम पर धर्म अहिंसा सत्य और मनुष्यत्व का विसर्जन किया जा रहा है, सारे जगत में कुवासना में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रहा है। आजकल के जीव धर्म अनुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते, सुख चाहते हैं अटल, सुख चाहते हैं अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था, इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया है जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ तप और दान से भी नहीं होता था, वह है श्री हरिनाम का जप कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान वेद व्यास रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार पुकार कर कहते हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगह परम ब्रजेत। हे राजन, इन दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था वही कलयुग में श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। जय श्री राधे।